भारत के महान क्रांतिकारी शहीद व शहीद आजम भगत सिंह के आदर्श करतार सिंह सरभा जी का जन्मदिन शुक्रवार को जटाशंकर गुरुद्वारे में मनाया गया। जटाशंकर गुरुद्वारे में करतार सिंह सरभा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। रघुवंश हिंदू ने संगठन के सदस्यों को शहीद करतार सिंह सरभा के जीवन के बारे में अवगत कराया। तत्पश्चात संगठन के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। आज़ाद हिंद चेतना मंच के अध्यक्ष रघुवंश हिंदू ने कहा कि शहीद करतार सिंह सरभा शहीद आजम भगत सिंह के आदर्श गुरु थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आजाद हिंद चेतना मंच के अध्यक्ष रघुवंश हिंदू ने कहा, आपके सामने रखा होगा, हमें यह पूरा विश्वास है कि हो सकता है कि लोग इनके बारे में जानते भी ना हो। कुछ लोगों से मैंने करतार सिंह सरभा की है जो लिखा है, इनके बलिदान को महान सपूत शहीद आजम किया और आज इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महान सपूत के बारे में आता है कि 19 साल की उम्र में इनकी फांसी हुई थी। हमारा जो भारत जो सिख हर बिखरा पड़ा हुआ है, मंगल पांडे ने शुरू किया लेकिन फिर भी लड़ाई आजादी के ऐसे ही चल रही थी जैसे यूं ही की कोई काम चल रहा हो। रघुवंश, हमारा नाम है रघुवंश हिंदू, आज़ाद हिंद चेतना मंच के अध्यक्ष। और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा अभी 23 जनवरी को फैला करके विश्व रिकॉर्ड बना है गोरखपुर में, 13 किलोमीटर का तिरंगा, उसके संयोजक भी। आज शहीद करतार सिंह सरभा जी का जन्मदिन है, जो शहीद आजम भगत सिंह के एक तरह से आदर्श पुरुष थे। भगत सिंह इनकी पूजा करते थे क्योंकि ऐसे शहीद, भगत सिंह ने कहा था कि अगर ऐसे शहीद भारत में 10 केवल मिल जाएं, ऐसे क्रांतिकारी भारत में 10 मिल जाएं, तो भारत को केवल एक साल के अंदर हम लोग आज़ाद करा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो जीवन गाथा थी वो निश्चित रूप से सोचने और समझने लायक जीवन गाथा थी। और एक इनकी विशेष बात कहें कि सोचिए कि 17 साल की उम्र में जब किसी भी बच्चे के अंदर आज के समय में केवल एक कहिए कि देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बात सोचने चिंतन करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो केवल और केवल सोशल मीडिया और खेलने कूदने में लगा रहता है। ऐसे समय में अगर वो जाकर के विदेश में अपनी पढ़ाई छोड़ करके और गदर पार्टी की स्थापना जो पूरे इंटरनेशनल तैयार हो रही थी उसका संचालन किया और संचालन करने के साथ जब वो भारत में आए तो गदर नाम के समाचार पत्र का संपादन किया। सोच लीजिए कि ये 17 साल 18 साल की उम्र का एक बच्चा ही कह सकते हैं और उन्होंने किया। 19 साल की उम्र में उनकी फांसी हुई। अंग्रेजों का सीधा सीधा ये था कि जो जो ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने की एकदम मूड बना रखा है, उनको तुरंत अगर समाप्त करेंगे तो देश में शोक की लहर दौड़ेगी और तुरंत जो है आंदोलन कुचला जाएगा। लेकिन जब ये फांसी पर चढ़ रहे थे तो इन्होंने कहा था कि, और उनकी वाकया को भगत सिंह ने दोहराया, उन्होंने इस बात को कहा था कि करतार सिंह मरेगा नहीं, करतार सिंह इस लुधियाना की एक एक कण कण में रहेगा और यहाँ से इस देश से कोई न कोई ऐसा फिर आएगा जो हंसते हुए फांसी पर चढ़ेगा और देश को आज़ाद कराएगा। ऐसे महान क्रांतिकारी को आज जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं इस गुरुद्वारा पर हम लोग आकर के, क्योंकि ये विशेष रूप से कहा जाए पंजाब से संबंधित थे। और हमारे जो साथ में श्री जसपाल सिंह जी हैं, इनका बहुत ही स्नेह है इस कार्यक्रम में और इस मिशन को लेकर के। विश्व का सबसे लंबा तिरंगा आज़ाद हिंद चेतना मंच के लोगों का केवल और केवल एकमात्र मिशन है कि भारत में आज़ादी के समय में जो बलिदान हुए, आज़ादी की लड़ाई में जो बलिदान हुए, उन सभी शहीदों को शहीदों का संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। हमें लगता है आने वाले समय में, कुछ समय में मिल जाएगा। हम लोग ये कार्यक्रम